नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मिलते हैं आज न्यू रेसिपी के साथ। देखिए मैंने क्या बनाया है। मैंने ब्रेड ऑमलेट को नया रूप दिया है, तो चलिए आपको मैं अलग अलग रूप दिखाती हूँ। एक ये भी है और एक ये भी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये होल व्हीट ब्रेड लिया है, इसे मैं दो पीस ले रही हूँ। इसे कट कर लेना है हमें दो ग्लास की मदद से। आप बड़ा छोटा ले सकते हैं, कोई भी कटोरी ले सकते हैं और इस तरह का शेप में कट कर लेंगे। देखिए इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है, तो आप बेफिक्र होकर इस तरह की डिशेस बनाइए अपने घर पे और इस ब्रेड ऑमलेट को कुछ नया लुक दीजिए। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर रख देंगे और ये एक मिनी पिज्ज़ा का लुक ले लेगा। तो आप चाहे जो स्टफिंग भरना चाहें, मैं तो इसमें एक भुर्जी भरूंगी, जिसके लिए मैंने तेल डाल लिया और इसमें प्याज भून लेती हूँ। अब जैसे ही ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसमें टोमेटो डालेंगे और फिर इसमें हल्के हल्के सारे मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे और फिर ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और इसमें ज़रा सा लाल मिर्च डालेंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च काट करके ले सकते हैं। अब इसे साइड करते हैं और इसे मैं एक अंडा डाल रही हूँ और इसे झटपट से मिला लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और एक दूसरे से चिपके नहीं ज़्यादा। तो मैं इसे अच्छे से भून ले रही हूँ। भूनने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यह एक फटाफट से रेडी हो जाता है, झटपट से बनने वाला डिश है। आप अपने नाश्ते में, शाम के नाश्ते में कभी भी खा सकते हैं। तो चलिए ये हमारा भुन चुका है, अब इसे हम इकट्ठा अलग निकाल लेते हैं। और अब हम एक पैन रेडी करते हैं अपने मिनी पिज़्ज़ाज को रखने के लिए। इस डिश को मैं इस पर रख रही हूँ और इसमें अलग अलग तरह से स्टफिंग भरूँगी। तो जैसे इसमें मैंने एग भुर्जी को भर दिया है और इसमें मैं सिंपल प्याज और शिमला मिर्च डाल रही हूँ और इसमें भी मैं प्याज शिमला मिर्च डालूँगी, पर सस्पेंस अभी चेंज नहीं है, इसमें मैं कुछ और भी डालने वाली हूँ। एक रहेगा ये सिर्फ वाइट एग का और एक रहेगा येलो एग का। तो एग वाला वाइट पार्ट मैंने उसमें डाला और येलो वाला पार्ट इसमें, और एक हमारा प्लेन रहेगा। अब आपको जिस तरह की बनाने की मर्जी हो, आप उस तरह से बना करके खा सकते हैं। तो ये झटपट से बनने वाला डिश है, आप इसे कभी भी बनाएं और इन्जॉय करें। तो ये देखिए ये मेरा पक चुका है। चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। वाव, है ना बहुत टेस्टी, यम्मी। चलिए अब इसके हम वेस्ट मटेरियल को भी यूज़ कर लेते हैं जो साइड हो गया था। इसे भी मैं एग डाल रही हूँ, एक एग, और उसमें प्याज शिमला मिर्च थोड़ी सी नमक। अब दूसरे वाले में भी हम इसमें एक एग डाल देंगे। तो इसी तरह से ये हमारा डिफरेंट रेसिपी बन गया। इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं जाने वाला, सेम प्रोसेस करना है। आप प्याज शिमला मिर्च चाहे और भी कोई सब्जी ले सकते हैं और इसे इस तरह से बना के खा सकते हैं। तो ये मेरी रेसिपी तैयार है। इसमें मैं हल्के हल्के सारे मसाले डाल दे रही हूँ, आपको जो पसंद है वो डाल ले। चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, ये सारे कुछ हल्की हल्की डालना है। और मैं थोड़ी सी चीज़ डाल रही हूँ, ये मेरी बच्चे को बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है। आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम पकने के लिए ढक करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। 10 से 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल पक के रेडी है। देखिए ये सारा सूख चुका है। अगर आपको गीला पसंद है, इसका येलो पार्ट जो गीला गीला रहता है, तो आप उसे भी थोड़ी देर पहले ही निकाल लें। तो ये मुझे थोड़ा टाइट पसंद आता है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से बनाया। तो ये मेरा सेकेंड रेसिपी रेडी है। तो चलिए एक बार इसे मैं भी कट करके दिखाती हूँ कि ये बीच से कैसा दिखता होगा। ये मैंने कट कर दिया और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी गीला नहीं है। अगर आपको गीला पसंद है तो आप बना सकते हैं। ये पक चुका है अच्छे से और मुझे इस तरह बहुत टेस्टी लगता है। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अब थर्ड रेसिपी की ओर। जैसा कि मैंने कहा, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं होने दूंगी, तो मैंने जितने भी सर्कल कट्स किए थे उन सब में कुछ ये दो और बच गए थे। आप चाहे तो इन सब का ब्रेड क्रम बना सकते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा बनाना। तो मैं इसमें थोड़ी सी एग वाइट डाल रही हूँ, बस इतना ही बचा था, इसीलिए आप चाहे तो भरपूर डाल सकते हैं, बट वो सेम रेसिपी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे डिफरेंट किया। मैं इसमें चीज़ थोड़ा डाल रही हूँ, थोड़ी सी अनियन और कैप्सिकम, शिमला मिर्च वो डाल रही हूँ, और इस पर एक भुर्जी जो मैंने बनाई थी उसे मैं डाल रही हूँ अच्छे से भर भर के। ये मुझे मेरा सबसे बेस्ट रेसिपी लगा, ये मुझे बहुत पसंद आया। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए
और मुझे कमेंट में बताइए। अब जो ये सर्कल्स कुछ छोटे छोटे वाले बच गए थे, मैंने उसे भी सेम मिनी पिज़्ज़ा का रूप दे दिया। अब इसमें भी सेम चीज़ और थोड़ा एग भुर्जी डालूंगी और उसे कुछ देर चीज़ को मेल्ट होने के लिए और ब्रेड को कुरकुरा होने तक सिकने दूंगी। इससे यकीन मानिए ये इतना टेस्टी बना कि एक बार में एक पूरा मुंह के अंदर चला गया। तो आप भी मुझे रेसिपी को बना करके ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना खाया। सच में ये बहुत टेस्टी है। इवनिंग मॉर्निंग आप किसी भी टाइम पे एग ब्रेड तो खाते ही होंगे, तो क्यों ना इस तरह से बना के खाए और इन्जॉय करें। चीज़ सारी मेल्ट हो चुकी है, क्योंकि ये तवा पे है तो पूरा मेल्ट नहीं हो पाया, तो आप चाहे तो ओवन में डाल सकते हैं या फिर कढ़ाई में ओवन की तरह। तो ये देखिए, ये मेरी पहली डिश थी जिसे मैंने अलग अलग टाइप से बनाए थे। आप इसे खाइए, बनाइए, बहुत ही आसान है। डिश बच्चों की फेवरेट, लुक वाइज ये बहुत ऑसम है और टेस्ट वाइज भी एकदम ज़बरदस्त है। आप एकदम खा के देखिए, उसके बाद बोलिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको जिस तरह से पसंद है आप उस तरह से बना के खाए। तो मुझे तो अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने खा लिया। और ये मेरी दूसरी वाली रेसिपी, जो एक भी खा लेंगे तो आपको फिर कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेट भर जाता है। और ये मेरे बचे खुचे जो थे वो सारे, तो इसे भी मैंने पिज़्ज़ा का रूप दे दिया, मिनी पिज़्ज़ा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।